सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो दूसरी तस्वीरों से आज कहीं पिछड़ गई, कहीं पीछे रह गई। ये तस्वीर है शहीद हवलदार हंगपन दादा की पत्नी श्रीमती चासेन लवांग दादा की, जो एक तरफ गर्व से अपने पति की शहादत का सम्मान ले रही हैं तो दूसरी तरफ अपने पति को याद करके उनकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। शहीद हवलदार हंगपन दादा को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि अशोक चक्र शांति काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार होता है, जिसे परमवीर चक्र के बराबर माना जाता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज शहीद हवलदार हंगपन दादा की पत्नी को यह सम्मान दिया और पूरे देश ने ऐसा होते हुए देखा। इसलिए आज श्रद्धांजलि के तौर पर हम आपको शहीद हवलदार हंगपन दादा का वो सच दिखाएंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। उसका हंगपन दादा तो यही में जन्म हुआ था, इसी जगह में। अबाउट दादा, I might have met him more than 10 times. He would come for the mass. Before we come, he's already here, kneeling down praying. अभी तक मैं जिंदा हूँ, हंगपन दादा का वैसे। पानी में डूबने से हमको बचाया, इसलिए आपका सामने अभी अभी बैठा हूँ। कश्मीर का कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये लोकेशन एलसी के बिल्कुल साथ है। इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादातर होता है तो इनमें काम करने का मज़ा अलग ही है। लेकिन वहाँ पेड़ पौधा नहीं होने के कारण से जो है ऑक्सीजन बहुत ही कम मिलता है। हर जगह माहौल जो है खतरा से भरा हुआ है, चौकन्ना रहना पड़ता है सर। हमारा कंपनी के अंडर 4 पोस्ट आता है। यहाँ में हमारा हेडक्वार्टर कंपनी है, उसके नीचे में हम साबू पोस्ट हैं, साबू पोस्ट के नीचे में मर्सरी पोस्ट है। साबू पोस्ट से जब हम मर्सरी पोस्ट की ओर निकलते हैं तो बीच में एक नाला पड़ जाए मीरा नार, जो ऊपर से आता है। उसका फिर आगे आता है एक मर्सरी रीस, डायरेक्ट शमशाबारी रीस की तरफ निकलता है। On 26th May 2016, Sipai Jain Baite spotted some suspicious movement on the Shamshabadi Ridge. हम फारसो पीता साहब अंबोस पॉइंट का आगे में 4 मिलीटन आया हुआ देखा था। सुबह 6 बजे तरफ चुप चुप के उन लोग निकला था। अपना ओसी साहब को रिपोर्ट किया सर। हाँ ओपी बोलो। 4 मिलीटन, अच्छा जनरल एरिया मीरा में, ठीक है। उन पर नजर रखना लगातार और मुझे रिपोर्ट देना, और ध्यान रखना कोई फालतू का हरकत नहीं होना चाहिए। 26 मई 2016 ऑपरेशन साबू दादा 6 बजे तरफ खबर आया था। हेलो साबू पोस्ट, हाँ दादा अभी 4 मिलीटेंट का हरकत दिखा है मीरा नाला से साबू की तरफ। आपने स्टॉप एस्टेब्लिश करना है मीरा नाला से मीरा रिज की तरफ, और ध्यान रखना कोई आपका हरकत नहीं दिखना चाहिए। आई इमीडिएटली प्लेस स्टॉप्स एंड कॉर्डन द एंटायर एरिया। हमने अपना पोस्ट सबको अलर्ट करने की तैयारी किया। 2 टीम में हमने कॉर्डन लगाए नीचे, एक टीम सुविधा क्रूंग अनल, एक टीम नाइक नजीबुर। हवलदार हंगपन दादा who was placed in the Sabu post immediately moved along with his team to block the most likely route of escape in the Mirana. कंपनी हेडक्वार्टर ने एमएमजी फायरिंग किया, 2 मिलिटेंट उधर में रुक गया, 2 मिलिटेंट नीचे भाग गया। मिलिटेंट जो है डायरेक्ट नाला की तरफ से आया था, फायरिंग करने की कोशिश किया तो वो छूट गया। पीछे जो है हमारा हवलदार साहब दादा आ रहा था। दादा हम लोग से कम 350 मीटर लगभग था सर वो। दादा आगे बढ़ा, एक मिलीटेंट को खत्म कर दिया। दादा ने मेरे को बताया है आप मेरे को स्पॉट फायर करना, मैं आगे जाता हूँ। दादा थोड़ा साइड से फिर लेटते हुए रेंगते हुए अपना पोजीशन लिया, दादा ने खत्म कर दिया।
नेटवर्क नहीं है वहाँ में, कभी कभार बातचीत होता है। अभी हम लोग जंगल में है, ऑपरेशन ऑन एयर ऑपरेशन ऐसा बोला था ना, मजाक से बोलता था ना, ना सही है तो मालूम नहीं है, बोलता था ऐसे ही। साजी हम लोग चर्च में क्या था, बच्चा लोग तो पापा के बारे में कुछ भी पता नहीं। कभी छुट्टी आएगा एक महीना ना, एक महीना आता था तो वो क्रिसमस समय में नहीं तो चालो लोग को इस समय आता था। सुबह में हम हमेशा 7:30 जैसे में न्यूज़ देखते हैं तो देखा है वहाँ में फायरिंग हो रहा है। कुपवाड़ा के नौगांव सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कल सुबह 4 आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने सेना पर गोलीबारी शुरू कर दी। ड्यूटी में चला गया, 7 बज गया। उनको फिर क्लियर किया दोनों मिलिटेंट्स को, क्या क्या सामान है उनको चेक किया। उसके पास तो बाइनोकुलर PNV, मोटोरोला GPS भी है, खाना पीना रेशन डायरी में मैप भी लेके आया है। वो लोग इतने के लिए आता है सब। उसके बाद हम दो टोली में बट गया, एक ओसी साहब की टोली, एक हवलदार दादा की टोली। हवलदार दादा सबसे पहले लीड किया। अरे लेट हो जाएगा, रात होने के बाद तो मिलिटेंट निकल जाएगा तो क्या करेगा। दादा भी मोटिवेट करते गए हमारे को, तो हमारा अंदर भी जोश आ रहा था। पत्थर भी काफ़ी था इस एरिया में, ढलान में चला गया तो दिखना नामुमकिन। हवलदार दादा मूव क्विकली एंड केम फेस टू फेस विद द थर्ड टेररिस्ट। मिलिटन के साथ जब फायरिंग होता है तो उसमें हमारा जान का खतरा है, गोली के सामने जाना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ा देर बाद वो पेट पकड़ के फिर खड़ा होना शुरू हो गया। जो हिम्मत है वो जुटाते हैं, अपनी क्षमता दिखाने की कोशिश की, लेकिन तब तक मेरी प्यारी। रात 10:30 को फोन किया था। आप मेम साहब है, दादा का मेम साहब है। हाँ मेम साहब, आपको एक बात बताना है। तो क्या क्या हुआ दादा? ठीक है, मैं वही पूछा ना दादा। दिल रोती है उसके बारे में तो डिफिनेशन देने से कम है, स्याही खत्म हो जाएगा। क्या बनने का बड़ा होके बेटा? आर्मी ऑफिसर। ऐसा है क्या आर्मी लोग इतना अच्छा है? दादा जाने के बाद तो बहुत लोग चाहता है अभी आर्मी में जाने के लिए। हवलदार अपन दादा वाज नो ऑर्डिनरी सोल्जर, ही वाज एक्सेप्शनल। बदलू राम का बदन जमीन के नीचे है पर हमको उसका राशन मिलता है। दिस सॉन्ग इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हेन द जापानीज हैड लेड अ सीज अराउंड वन ऑफ द कंपनी पोजीशंस नियर कोहिमा। दो द कंपनी वॉज अंडर सीज दे वर एबल टू सर्वाइव as the quartermaster continued to indent for rations even for soldiers who had been martyred in the war. यहाँ पर मैं आपका ध्यान एक और बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। इस फिल्म की शुरुआत एक गीत से हुई थी और ये गीत आपने बाद में भी सुना होगा, जिसके बोल थे, बदलू राम का बदन जमीन के नीचे है पर हमको उसका राशन मिलता है। इस गीत के पीछे भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है जो आज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये गीत असम रेजिमेंट का रेजिमेंटल सॉन्ग है जो असम रेजिमेंट के ही सैनिक बदलू राम पर आधारित है। बदलू राम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान असम रेजिमेंट का हिस्सा थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही वर्ष 1944 में
कोहिमा की लड़ाई हुई थी जिसमें भारत और जापान के बीच युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में बदलू राम शहीद हो गए थे। बहादुर बदलू राम को उनकी शहादत के लिए तो याद किया ही जाता है, लेकिन उन्होंने शहीद होने के बाद भी कई सैनिकों की जान बचाकर मिसाल कायम की थी, क्योंकि बदलू राम के शहीद होने के बाद भी उनकी रेजिमेंट के रसद प्रबंधक उनके नाम का राशन लेते रहे। ये सिलसिला कुछ महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। जब जापान की सेना ने भारतीय सेना के दस्ते को घेर लिया तब राशन आना बंद हो गया। उस वक्त बदलू राम के नाम से जमा करके रखा गया राशन ही सैन्य दस्ते के काम आया और कई जवानों की जान इस वजह से बच गई।